हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ गैस स्टेशन सिमुलेटर। वेलकम बैक। तो गाइज, आज फाइनली हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं अपना $50,000 का चैलेंज। एंड भाई, काफी टाइम लगा है, काफी ज्यादा मेहनत लगी है, तो गाइज जरूर एक बार लाइक बटन दबा देना। तो बढ़ते हुए हमारे पास भाई $49,000 हो चुके हैं, बट अभी ये पैसा थोड़ा कम होने वाला है क्योंकि हमारा स्टॉक पूरे तरीके से खत्म हो चुका है। आई मीन कुछ चीज़ें हैं बट इम्पॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, जैसे ड्रिंक्स हो गया, टॉयज नहीं है अपने पास, हैट्स नहीं है, पेस्ट्रीज नहीं है, तो काफ़ी सारी चीज़ें मंगानी होगी, बट यहाँ पर अभी कोई क्यों नहीं है। भाई कैश रजिस्टर पर बुला लेते हैं अपन भाई एक बंदे को। कौन आएगा? रिकार्डो आ जाएगा। चलो उसको पैसा दे दो एंड रिकार्डो को अपन हैंडल द रजिस्टर। और गाइस, नया अपडेट आया, तो नए अपडेट में कुछ चीज़ें ऐड हुई हैं, जैसे आप ऊपर देख पा रहे होंगे कि सारे एम्प्लॉयज़ का बता देता है कि कौन क्या कर रहा है, तो आसानी होगी अब थोड़ा मैनेज करने में। ओके, गराज पे भी एक और कस्टमर आ चुका है, तो अपन एंड्रू अपना रिपेयर कर ही रहा है भाई। तो भाई मेन तो अपना गराज से काफ़ी सारा पैसा आ रहा है भाई, क्योंकि यहाँ पे एक एम्प्लॉय पूरे तरीके से बैठा के रखा है और सप्लाईज फुल किए जा रहे हैं अपन। फिलहाल तो टायर ख़त्म हो चुके हैं भाई, तो मेरे को टायर और कांच मंगाने हैं काफ़ी सारे, ताकि इधर का चलता जाए अपना रिपेयरिंग का काम। तो गाइस, एक बार अभी अपना $50,000 का टारगेट पूरा हो जाए, देन अपन पूरा गैस स्टेशन पूरे तरीके से रीअरेंज करेंगे भाई, एंड और काफ़ी सारे शेल्व्स लगा देंगे भाई, क्योंकि अभी देखो यहाँ पर डेकोरेशंस की वजह से मैं कुछ कुछ जगह पे शेल्फ नहीं लगा पा रहा हूँ, तो अभी इतनी ज़रूरत भी नहीं है, बट यहाँ पे भाई अपन और काफ़ी सारे शेल्फ लगा देंगे। मे बी सबके दो दो शेल्फ लग जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ताकि अपन वेयर हाउस में और ज़्यादा चीज़ स्टोर कर पाएँ, तो अपने को बार बार बाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ऐसे। तो फिलहाल तो गाइस मैं कुछ प्रोडक्ट मंगा लेता हूँ, अभी देख सकते हो $50,000 तो होने वाला है, बट थाम्बा। तो गाइस अभी हम लोग सॉफ्ट ड्रिंक्स मंगा लेते हैं भाई, काफ़ी ओके, तीन सिर्फ हरे में थे, बट कोई नहीं, अपना काम हो जाएगा। स्नैक्स मंगा लेते हैं भाई, काफ़ी सारे स्नैक्स की ज़रूरत है अपने को। अल्कोहल भी कर लेते हैं भाई, ठीक ठाक ही है, इतना महंगा नहीं है। आई मीन सब चीज़ों में प्रॉफिट तो निकल ही जाता है, किसी में कम निकलता है, किसी में ज़्यादा निकलता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है उसमें। आइसक्रीम चाहिए भाई, आइसक्रीम इज़ इम्पॉर्टेंट। कार केयर भी कर लेते हैं भाई, यहाँ पे कार केयर भी अच्छे खासे दाम में मिल रहा है भाई। देखे गए तो अपना उतने में $50,000 हो चुका है भाई, बट ये मंगाने के बाद अपने को फिर से करना पड़ेगा भाई, क्योंकि इतना सारा सामान अपन ने ऑलरेडी मंगा लिया है, तो पैसा तो कम होगा ही। हैट्स कर लेते हैं अपन, हैट्स यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे हैं, और ग्लासेस अभी हैं अपने पास काफ़ी सारे, टेडी बियर भी पूरे भरे हुए हैं, और हाँ अपने को पेस्ट्रीज करना था भाई, तो पेस्ट्रीज कर लेते हैं एंड टॉयज़ कर लेते हैं कुछ, तो यहाँ पे टॉयज़ भी सस्ते सस्ते मिल चुके हैं अपने को। ओके, तो 2400 का सामान हो चुका है गाइस, एंड वेयर हाउस अभी फुल होने वाला है, तो अपन ये टॉयज़ मंगा के पूरा ख़त्म करते हैं भाई। चलो 3000 का सामान हो चुका है, लेट्स ऑर्डर। तो वापस से 47,000 पे आ चुके हैं, तो अपन ने ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ें मंगा ली हैं भाई, अब बस आने का वेट करना है। एंड भाई मेरे को अपना वर्कशॉप और ये सब वापस से पेंट करना पड़ेगा, क्योंकि पेंट उधड़ गया है भाई, देख सकते हो पूरी तरीके से पेंट उधड़ गया है। अरे कहाँ फंस गया मैं, हेलो। हाँ ओके, तो यहाँ पे भाई मेरे को पेंट चूज़ करना पड़ेगा कि कौन सा पेंट करे अपन। यहाँ पे अपने पास नए नए पेंट अनलॉक हुए हैं, मैं सोच रहा हूँ भाई ब्लू करते हैं, क्योंकि ऑरेंज और ब्लू में भी थोड़ा अच्छा लगे, बट ट्राई करते हैं भाई, ट्राई करने में क्या जाता है, नहीं तो पेंट वापस से रीपेंट कर देंगे। काफ़ी फ्री ही है, आई मीन मैं बोल रहा था काफ़ी कम पैसा लगता है, बट फ्री है एक्चुअली में ये। आई थिंक एज अपन ये लाइट ब्लू ही करेंगे भाई, लाइट ब्लू ही करेंगे, थोड़ा चमकना भी चाहिए वेयर हाउस, अभी तो रात का टाइम है इसलिए शायद ज़्यादा अच्छा लग नहीं रहा है, मे बी सुबह होगी तब अच्छा लगेगा। बाय द वे, जब तक मैं अपना वेयर हाउस में सामान आ चुका है गाइज, ट्रक आ चुका है। अरे भैया आप इधर क्यों, चेकिंग करने आए हो क्या? हेलो, ये क्या बंदा है भाई, चेकिंग करने आया था, कोई नहीं। यहाँ देखो भाई, हमारा वेयर हाउस में सामान ही नहीं था कुछ भी। हेलो, इतना कंगाल पड़ा है हम। कोई नहीं, अभी सारा सामान रख देते हैं गाइस एंड जाके रीस्टॉक कर देते हैं, देन असली मजा आने वाला है, क्योंकि अपन अपना गैस स्टेशन पूरी तरीके से रीअरेंज करेंगे ना, तो और अच्छा लगने लगेगा, एंड इस बार सही से डेकोरेशन लगाएंगे। मैंने तो भाई स्टार्टिंग से लेकर अभी तक एक बार भी रीअरेंज नहीं किया है, तो इस ये अरेंज करने के बाद अपना गैस स्टेशन एकदम परफेक्ट और बेस्ट लगेगा भाई। देखो फटाफट से पैसा हो रहा है, 48,000 ऑलमोस्ट हो चुका है भाई अपना, तो 50,000 पहुंचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अपने को। एक्चुअली में इस गेम में पैसा कमाना इजी है, बट टाइम बहुत लगता है भाई। लाइक आप एम्प्लॉयज लगा के छोड़ दो ठीक है, बट टाइम इतना ज़्यादा लगता है। देखो शायद मैंने पिछला एपिसोड 50 डेज पे बनाया था, डे 50 था,
63rd day है भाई यहाँ पे अभी, तो देख रहे हो कितना टाइम लग गया है। बाय द वे मेरे को कार पार्ट्स भी मंगा लेते तो मैं भाई व्हील व्हील मंगा लेता हूँ 10-20, क्योंकि ये सब जरूरी है। स्क्रैच रिमूवर 10 मंगा लेते हैं अपन, एंड कार मिरर, चलो फाइनली कार मिरर इस बार काफ़ी सारे मंगा लेते हैं, मे बी 15 ही कर लेते हैं अपन। इंजन ऑयल, बैटरी, स्पार्क प्लग, कूलेंट, कूलेंट में भी 5 कर लेते हैं, बैटरी 5 कर लेते हैं, ओके। तो ये भी गैस फिर से 3000 का सामान हो चुका है, बट मंगाना पड़ेगा भाई, मजबूरी है, क्योंकि वैसे भी हमारा 50,000 हो चुका था, बट एक बार अपन फिर से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम नहीं लगेगा। चलो यहाँ पे मैं रीस्टॉक कर देता हूँ भाई सारा सामान, ताकि लोग खरीद लें फटाफट। यहाँ पे टॉयज वॉयज भी रख लिए, सब रख दिया, पेस्ट्रीज रख देते हैं। ओ अपने पास पेस्ट्रीज काफ़ी सारी है भाई, वो भाई ट्रैश फुल हो गया। हेलो 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 सर, ट्रैश फुल नहीं होने का, ओके। तो यहाँ पे एक्चुअली मैं, अपने पास 2 पेस्ट्री स्टैंड है, तो शुरू की 3 मैं उधर रखता हूँ और आखिरी की 3 इस साइड रखता हूँ, तो ऐसा बैलेंस रहता है पूरा। और आइसक्रीम भी अपने पास, आइसक्रीम फुल जो जहाँ आ जाए वो रख देते हैं अपन। चलो ये आ गया इधर आइसक्रीम, एंड इधर अपन 5 ये मे भी आखिरी की रखना चालू करते हैं, आखिरी की कुछ आइसक्रीम नहीं आई है, ओके डन। चलो इधर भी फुल हो गया, टॉयज अपने पास नहीं है, स्नैक्स रख देते हैं 10-10 करके, आई थिंक सारे स्नैक नहीं आएंगे अभी, बट हाँ चलो हो गया। और यहाँ पे अपने को बियर रखना है, अल्कोहल रखना है, तो आई थिंक सारा आ जाएगा, नहीं आया, बट ठीक है चलो कोई नहीं कोई नहीं। ड्रिंक्स रख देते हैं गाइस 10-10 करके, आराम से सारे ड्रिंक्स आ जाएंगे। मेरे पास एक्चुअली में एक और ड्रिंक्स का स्टैंड है, तो मैं सोच रहा हूँ उसको कहीं लगा ही देता हूँ, बट यहाँ पे जगह नहीं है यार, तो रुकना पड़ेगा एक्चुअली में भी। चलो यहाँ पे टोबैको रख देते हैं, और न्यूज़पेपर अपने ख़त्म हो गए हैं, ओके न्यूज़पेपर नहीं है मंगाया मैंने, चलो कोई नहीं। चश्मा भी रीस्टॉक करना है भाई, इतनी सारी चीज़ें हैं भाई, अगर एम्प्लॉई होता है एक रीस्टॉक करने का तो मज़ा आ जाता, सारा रीस्टॉक को खुद ही कर रहा है, बट फिर हमारा क्या काम रहता फिर ऑर्डर करना। ओके बाय द वे अपने कार के पार्ट्स आ चुके हैं भाई, तो कार के पार्ट्स अपन लेके फटाफट से ये भी रीस्टॉक कर देते हैं, क्योंकि गैराज में ऑलरेडी बहुत कम चीज़ें बची हैं। ओके टाटा अंकल, निकलो निकलो फटाफट, ओके अंकल गए, ये बंद करो, एंड मे बी मेरे को एक बार फ्यूल चेक कर लेना चाहिए कि फ्यूल है कि नहीं। आई थिंक मैंने कुछ टाइम पहले मंगाया था, बट मेरे को याद नहीं है कि कितना बचा है। लेट्स सी, फ्यूल अपने पास है 100 लीटर है भाई, ख़त्म हो गया, लॉल। ओके ओके ओके, फ्यूल भी ऑर्डर करना पड़ेगा अपने को, तो $2 का है, चलो 1800 का ये भी। ओ पार्टी वाले लोग आ गए भैया, ओके ओके अब एम्प्लॉयज़ की बारी है, अब एम्प्लॉयज़ की बारी है। चलो जॉर्ज भैया पहले इनको सारा पैसा दे दो, एंड आप आ जाओ कैश स्टेशन क्लीन करने, ये तो आराम कर रहा है, कैश रजिस्टर पे वो है, फ्यूल वो कर रहा है, आई मीन ठीक ही है, सब ठीक है। चलो जब तक एंड्रू आराम कर रहा है, अभी गैराज में कोई आ नहीं रहा है, मैं एक बार देख लेता हूँ सैंड स्टॉर्म की वजह से कहीं रेत वेत तो नहीं है, नो आई डोंट थिंक सो। चलो ऑल क्लियर, भाई साहब इतने सारे लोग आ गए। चलो अच्छी खासी अभी सेल होने वाली है गाइज, गेट रेडी। ओके फ्यूल डिलीवरी आ चुकी है अपनी, तो अपन चलो फ्यूल भरवा लेते हैं अपनी टंकी में भाई, फटाफट से भर दो, और रुको थाम्बो भाई रुको, देखने दो पेट्रोल भरवा रहे हैं हम हैं। चलो गाइज सारा काम तो अपना एम्प्लॉयज अपने कर ही देंगे भाई, तो अपने को कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपन चलते हैं गाइज और पेंट करते हैं। एक्चुअली मैं यहाँ पे मेरे को किसी और को बुलाना पड़ेगा, एक सेकंड, या ब्रेक पे जाओ, शायद हुआन फ्री होगा, यस हुआन फ्री है, तो अपन इसको बोलते हैं रजिस्टर हैंडल करने, एंड नाउ एवरीथिंग इज सेट, सब कुछ सेट है गाइज। अब प्रोडक्ट्स की भी कोई दिक्कत नहीं थी, प्रोडक्ट्स भी अपने पास भर के था, मैं यहाँ पे एक बार फिर से रिस्टॉक कर देता हूँ भाई, क्योंकि काफ़ी लोग आए थे तो सब लेके भाग गए। ओके डन 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 डन। तो गाइस एक्चुअली में ये अपडेट में अब प्रीमियम भरोगे तो सिर्फ स्टैमिना ही इंक्रीज होगा, तो लाइक आप अभी प्रीमियम भरोगे तो पिछली बार भाई माइनस हो जाता था, यहाँ पे -200 लिखा जाता था, अब नहीं आता है, अब सिर्फ आपका स्टैमिना ही इंक्रीज होता है भाई, तो ये पता नहीं क्यों किया है या फिर बग है, आई डोंट नो, बट वो अच्छी चीज़ थी भाई, क्योंकि ना मेरे को उनको पैसा देना पड़ता था और स्टैमिना भी बढ़ जाता था, बट अब थोड़ा स्कैम है भाई, तो ये खराब बात हो गई है, बट कोई नहीं क्या ही कर सकते हैं। वो एक्चुअली में मैंने यहाँ पे टायर वायर रखे नहीं है भाई, मैं वही सोच रहा था कुछ तो मिस कर दिया। चलो टायर मिरर और कूलेंट, ओ यहाँ पे तो कूलेंट फुल है भाई, हेलो। चलो स्क्रैच रिमूवर, एंड ये जरूरत नहीं है, इसमें प्रोडक्ट्स ही नहीं है,
मेरे को एक्चुअली में इंजन ऑयल मंगाना था। ओके कोई नहीं कोई नहीं, तो कूलेंट यहाँ रख देते हैं एंड सब कुछ रीस्टॉक हो चुका है और पैसा अब धड़ाधड़ा आएगा गाइस। तो अपन यहाँ पे पेंट करना गाइस वापस से कंटिन्यू करते हैं, पैसा तो आ ही रहा है तो अपन यहाँ पे पेंट कर देते हैं फटाफट एंड देखते हैं कैसा लगेगा ये। 5 minutes later ओके चलो फ्रंट से तो काफी बढ़िया लग रहा है भाई, अब थोड़ा कलर जम के आया ना भाई, सुबह हो गई तो सुबह में ही कलर पता चला है अपने को एंड इसको अपन रेड ही कर देते हैं भाई। तो गाइज यहाँ पे हमारा वर्कशॉप पूरे तरीके से पेंट होकर रेडी हो चुका है भाई एंड काफी बढ़िया लग रहा है। मे बी मैं गेट्स पे व्हाइट कलर कर सकता था बट फिलहाल गाइज वर्कशॉप के लोगों के साथ वो मैच कर रहा है तो मैंने सोचा अभी ऐसे ही रहने देते हैं एंड बाद में अगर चेंज करना होगा तो कर देंगे। तो भाई कितना मस्त लग रहा है भाई, अभी अपना गैस स्टेशन भी पूरा पेंट करना है बट अपने पास $47,000 हो चुके हैं तो बहुत जल्दी अपना $50,000 वाला टारगेट होने वाला है भाई। ओके यहाँ पे मैं चीज़ें भी रीस्टॉक कर देता हूँ भाई, आई थिंक खत्म होने वाली हैं चीज़ें तो अपन ये रीस्टॉक कर देते हैं सारी। चलो गाइस जब तक हमारे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं हम बाहर से भी अपना गैस स्टेशन पेंट कर लेते हैं, पहले वर्कशॉप पेंट किया अब गैस स्टेशन पेंट कर लेते हैं भाई ताकि देन हमारा सिर्फ एक ही काम बचे वो है रीअरेंज करना एंड यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं भाई अपने गैस पंप से। यहाँ पे रेड कलर यार इतना मस्त लगता है कि चेंज करने का मन ही नहीं करता मेरे को, लाइक रेड यहाँ का सबसे बेस्ट कलर है मेरे ख्याल से, मे बी ब्लू भी हो सकता है लेकिन उसके लिए अपन को वो ऑरेंज कलर चेंज करना पड़ेगा जो अपन ने गैस स्टेशन पर करके रखा है बट यहाँ पे फचक हुआ था, आई डोंट नो पेंट किधर गिरा बट ठीक है। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं $50,000 पे एंड भाई मैं अभी तक से पेंट ही कर रहा हूँ, अभी तक और कुछ नहीं कर पाया हूँ बट हमारा टारगेट कंप्लीट होता है गाइस $50,000 का एंड भाई देख सकते हो कि यहाँ पे कोई नहीं है बट काफी मेहनत लगी है गाइस, काफी ज्यादा टाइम लगा है ये करने में। तो $50,000 फाइनली कंप्लीटेड गाइस, हमारा चैलेंज यहाँ पे कंप्लीट होता है बट अभी गाइस काम बाकी है हमारा, मैं जाने वाला हूँ एंड बंद करने वाला हूँ अपना गैस स्टेशन और हम ये लोग यहाँ पे पूरी चीज़ें रीअरेंज करने वाले हैं भाई, जितना भी हमारा शेल्व्स है जो भी है डेकोरेशन है वो सारी चीज़ें हम लोग रीअरेंज करने वाले हैं। तो अभी सारे एम्प्लॉयज़ को हम लोग जाने के लिए बोल देंगे भाई, सब आराम करो, मे बी एक एम्प्लॉयज से झाड़ू पोछा लगवा लेंगे। चलो गाइस गैस स्टेशन हमने बंद कर दिया है, सारे एम्प्लॉयज को हम पैसा दे देते हैं और सबको हम जाने के लिए बोल देते हैं ब्रेक पे और एक एम्प्लॉय जिसका क्लीनिंग लेवल 10 हो वो है रिकार्डो, वो आ जाओ भाई एंड हमारा गैस स्टेशन भाई चमका डालो यार, प्लीज चमका डालो। ओके सर आप गए नहीं, हेलो हाँ जाओ ना भाई जाओ जाओ जाओ, गैस स्टेशन बंद है सर, गैस स्टेशन बंद है, निकलो निकलो सब निकलो, गैस स्टेशन इज बंद। चलो वो आ चुका है गाइज एंड यहाँ पे भी साफ सफाई करना चालू करेगा। तो जब तक गाइज हम सारी चीजें अपने जेब में रखना चालू करते हैं भाई क्योंकि यहाँ पे मेरे को एक भी चीज बाहर नहीं चाहिए भाई, सब चीजें अपने को रीअरेंज करनी है तो मैं एक भी चीजें बाहर नहीं रखूंगा, जो भी डेकोरेशन है जो भी लाइट है जो भी शेल्फ है सब के सब अपन रख लेंगे अपनी जेब में और इस बार अच्छे और प्रॉपर तरीके से जमाएंगे भाई। तो गाइज हमारा धंधा बंद हो चुका है, हम गरीब हो चुके हैं नहीं बट काफी बढ़िया लग रहा है, वो मैंने ये तो हटाया नहीं, हाँ अब सही लग रहा है भाई अब सही लग रहा है, ऐसे में गैस स्टेशन खोल देते हैं अपन, बेस्ट आइडिया बेस्ट है भाई, जल्दी जल्दी झाड़ू लगा दे या फिर मैं ही लगा दूं तेरे बदले। ओके तो सबसे पहले यहाँ पे हमें गाइज पेंट करना पड़ेगा क्योंकि पेंट पूरी तरीके से उधड़ चुका है और काला काला हो चुका है भाई, तो पेंट कर लेते हैं अपन गैस पहले ताकि और बढ़िया लगे अपना गैस स्टेशन, देन अपन यहाँ पे शेल्व्स रखना चालू करेंगे और शेल्व्स बाय करना चालू करेंगे एक्चुअली में। तो गैस पूरे तरीके से हमने पेंट कर लिया है फिर से एंड भाई अब काफी चमक रहा है काफी बढ़िया लग रहा है। तो अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ लाइट लगाने से भाई क्योंकि यहाँ पे देखो बहुत जगह अंधेरा है भाई, तो सबसे पहले अपन लाइट्स लगा लेते हैं ताकि अच्छा सा दिखे एंड एकदम प्रॉपर लाइटिंग रहे हर जगह। तो मेरे को पहले वॉल लैंप चाहिए भाई, वॉल लैंप अपन लगाते हैं देखते हैं कि किधर किधर अच्छा लगेगा, इधर कोने में यस थैंक यू, ये एक इधर, तो यहाँ पे अपना एक स्टैंड आ जाएगा बट अगर नहीं आएगा तो अपन चेंज कर लेंगे भाई, चेंज तो करना ही पड़ेगा। चलो यहाँ पे अपना एक सिल्वर इस साइड, ओके ये अच्छा लगने वाला है भाई काफ़ी अच्छा लगने वाला है, मे बी मैं सारे एक ही तरीके के लैंप यूज़ करूँ तो ज़्यादा बेटर लगेगा नहीं। तो गाइस हम डेकोरेशंस में से कुछ कुछ खरीद लेते हैं भाई यहाँ पे लैंप्स, और किधर थे मेरे को याद नहीं है एक्चुअली में बट देखना पड़ेगा अभी,
तो गाइस ये रहे गोल्ड वॉल लैंप, अपन ये खरीद लेते हैं 5-6 एंड काफी बढ़िया लगने वाला है ये। तो इतना इन्वेस्ट कर लिया है तो इतना चलता है गाइस, चलता है। तो यहाँ पे हमारे पास 9 गोल्ड वॉल लैंप है भाई, तो ये लगाना चालू करते हैं हम लोग एंड होपफुली पूरे तरीके से लाइटिंग हो जाए हर जगह। ओके, तो एक ही जगह अपन ने काफी सारी लाइट लगा दी है भाई, बट मेन तो उधर अंधेरा रहता है भाई, इसलिए जरूरी है वहां पे। एंड अपन ने यहाँ पे तो लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया, मे बी एक इस साइड लगा सकते हैं या फिर इस साइड, ये बेटर है। तो गाइस लाइटिंग से तो काफी बढ़िया लग रहा है भाई, एंड अपने पास नीचे रखने वाले भी कुछ कुछ लाइट्स हैं, तो अपन स्टैंड के बगल में वो भी लगा सकते हैं ताकि और लाइट्स रहे। मे बी मेरे को एक इस साइड लगा देना चाहिए, ओनली वन यहाँ पे, ये बेटर लगेगा। ओके नाइस, तो पूरी तरीके से जगमगा उठा है भाई अपना गैस स्टेशन की लाइट्स फाइनली। तो अब गाइस हम यहाँ पे शेल्स लगाना चालू करते हैं भाई, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो मेरे पास बिग सॉफ्ट ड्रिंक स्टैंड है, मे बी मैं उसको यहाँ पे लगा देता हूँ एक। तो यहाँ पे गाइस हमने एक बड़ा और एक छोटा सॉफ्ट ड्रिंक स्टैंड लगा दिया है भाई। तो यहाँ पे एक लैंप रखा हुआ था, लगा हुआ था, मैंने हटा दिया क्योंकि यहाँ पे ये लैंप लगा हुआ तो इसकी जरूरत है नहीं वैसे। चलो नेक्स्ट, मूविंग ऑन, हमें फूड का चाहिए भाई, फूड, बिग फूड स्टैंड ये रहा, उसको अपन इस साइड लगाते हैं भाई। ओके गाइस एकदम परफेक्ट भाई, यहाँ पे स्नैक्स का एक स्टैंड लग चुका है, मे बी अपने पास एक और होगा अगर छोटा वाला है तो। यस एक और है छोटा वाला, तो अपन उसको यहाँ पे लगा देते हैं भाई। ओके अब परफेक्ट है, एक्चुअली मैं थोड़ा टेढ़ा हो गया था भाई इस साइड से। तो यहाँ पे गाइस स्नैक्स भी लग चुका है। क्या यार ये ऊपर सीलिंग में वॉल वो नहीं लगती क्या यार लाइट, क्योंकि अगर ऊपर लगती तो इतनी झंझट ही नहीं होती यार अपने को, ऊपर लगवा देते, बट ठीक है चलो कोई नहीं कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा सॉफ्ट ड्रिंक रख चुका है, यहाँ पे स्नैक्स रख चुके हैं हम। अब यहाँ पे हम रखना चालू करते हैं मे बी खाने पीने से रिलेटेड कुछ, मे बी पेस्ट्रीज रख देते हैं गाइस यहाँ पे, थोड़ा दूर, थोड़ा इससे दूर, दोनों काफी बढ़िया लग रहे हैं, दोनों अच्छे से जम चुके हैं यहाँ पे, लेट्स गो। तो यहाँ से लोग सॉफ्ट ड्रिंक लेंगे, पेस्ट्रीज लेंगे, स्नैक्स लेंगे, जो चाहिए वो लेंगे। अब इसके बगल में एक छोटा सा स्टैंड आ सकता है मे बी, तो अपने पास छोटा स्टैंड किसका है, ग्लासेस का है एंड हैट्स का है और आइसक्रीम का है, मे बी आइसक्रीम आ जाए इधर। हाँ चलो गाइस यहाँ पे एक आइसक्रीम का स्टैंड आ गया है एंड मे बी एक और इस साइड आ जाए, तो भाई इधर का पूरा सेट हो जाएगा एक्चुअली में अगर ये इस साइड आ जाता है तो। भाई एकदम परफेक्ट लग चुका है, थोड़ा सा निकला हुआ है बट उससे हमें मैटर नहीं करता भाई। चलो यहाँ पे हम वापस से लाइटें लगा देते हैं भाई, जितनी भी निकाली थी एक यहाँ से निकाली थी और एक अपन ने यहाँ से निकाली थी। ओ भाई मैं डेकोरेशंस बनाना था एक्चुअली में, गलत हो गया। चलो परफेक्ट गाइस परफेक्ट। तो यहाँ पे खाने पीने का पूरे तरीके से रख चुका है भाई, सारे स्टैंड हमारे दो दो हो चुके हैं, सॉफ्ट ड्रिंक के एक छोटा एक बड़ा और स्नैक्स अभी सेम है, यहाँ पे आइसक्रीम के दो स्टैंड है। ओके तो यहाँ से अब अपन कुछ और रखना चालू कर सकते हैं भाई, मे बी अपन ये जगह भरते हैं पहले, ये जगह भी इंपॉर्टेंट है, ये जगह भी काम की है। मे बी अपन इस साइड अल्कोहल रख देते हैं भाई, इधर अल्कोहल बेटर लगेगा। ओके एक अल्कोहल का स्टैंड यहाँ हो चुका है और मे बी एक और आ जाए राइट साइड में अगर छोटा वाला हो तो, अपने पास छोटा वाला है नहीं क्या, छोटा वाला अल्कोहल का स्टैंड मिलता है, लेट मी चेक गाइस अल्कोहल, यस है। चलो एक ये बाय कर लेते हैं और अपन इसको लगा देते हैं। ओके लेट्स गो गाइस परफेक्ट है भाई, ये पूरा परफेक्ट लग रहा है, यहाँ पे दो दो स्नैक्स, यहाँ पे अल्कोहल एंड भाई अभी ये बहुत जगह है अपने पास, बहुत सारी चीजें करने को बहुत जगह है। मे बी मैं इस साइड हैट्स का स्टैंड लगा देता हूँ, क्यों, क्योंकि हैट्स का स्टैंड और कहीं जाएगा नहीं, और कहीं अच्छा लगेगा नहीं और ये ही एक अच्छी जगह है, तो अपन इसको थोड़ा आगे निकाल के रख देते हैं मे बी, और इसके पीछे एक लैंप लगा देते हैं। ये हुई ना बात, क्या बात है ये बढ़िया लग रहा है अब इसको, मे बी थोड़ा सा इधर, यस ये परफेक्ट है भाई, ये परफेक्ट है, क्या ये बढ़िया लग रहा है ये बेटर है भाई क्योंकि अल्कोहल एटलीस्ट दिख रहा है, तो भाई मैं तो इसका ऐसे ही लगा रहने दूंगा। ओके ओके परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। ओके नेक्स्ट क्या आएगा हमारे पास ग्लासेस के दो स्टैंड है, तो ग्लासेस के दो स्टैंड भी एक्चुअली में इसके बगल में आ जाएंगे भाई, क्योंकि यहाँ पे काफी जगह है, तो यहाँ पे यहीं पे अपन लगा देते हैं ग्लासेस के दोनों स्टैंड। चलो गाइस ये चश्मे के हमारे स्टैंड भी परफेक्टली रख चुके हैं हम, एंड थोड़ी बहुत लाइटिंग की दिक्कत है बट चलो इतना मैटर नहीं करेगा क्योंकि बहुत जगह बहुत सारी लाइटिंग है।
ओके तो अपन ने आगे तो पूरा कंजेस्टेड कर दिया है भाई, अब मैं इसको मे बी अलग जगह लगाना चालू करता हूँ। तो गाइस हम लोग स्टार्ट करते हैं, न्यूज़पेपर स्टैंड लगाने थे, बट उससे पहले भाई मैं लगा देता हूँ सिगरेट का स्टैंड, बिकॉज वो दीवार पे लगता है तो अपने को एक अच्छी जगह देखनी पड़ेगी कि कहाँ लगाया जाए। बट यही एक जगह है जो ज्यादा सूट कर रही है इसको भाई, मेरे ख्याल से यही एक जगह है और ये परफेक्टली यहाँ पर बैठ जाता है, तो मैं इसको चेंज नहीं करना चाहता। ओके देखते हैं अपने पास और क्या है, अपने पास सॉफ्ट टॉयज है एंड न्यूज़पेपर स्टैंड है, तो अपन न्यूज़पेपर स्टैंड लेते हैं और उसको लगाते हैं इस साइड। 5 minutes later ओके, ये ज्यादा बेटर है भाई, ये ज्यादा बेटर है। और एक्चुअली में अपन यहाँ पे भी लगा सकते हैं कुछ कुछ चीजें, तो अगर अपने पास आइसक्रीम का स्टैंड एक और बच गया। हेलो, अपने पास कितने आइसक्रीम के स्टैंड है भाई, ये मैंने कब बाय किया? फूड का स्टैंड है, आइसक्रीम स्टैंड है, तो गाइस मैं आई थिंक टॉयज का स्टैंड यहाँ पे लगा देता हूँ बीचों बीच में भाई, क्योंकि लोग आएंगे, माँ बाप आएंगे तो टॉयज देखेंगे तो जरूर खरीदना चाहेंगे। आई मीन अपने पास एक एक्स्ट्रा आइसक्रीम का स्टैंड है, तो भाई मैं सोच रहा हूँ इसको यहीं पे लगा देते हैं, नो हार्म, एक्स्ट्रा है पड़ा है, आई मीन एक्स्ट्रा तो अपने पास फूड का भी है बट वो फूड का बहुत बड़ा है एक्चुअली में, तो उसको लगाने के लिए जगह नहीं है। ओके यहाँ पे मेरे को लाइट लगानी पड़ेगी, लेट मी चेक गाइस, लाइट 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 लाइट, ओके आई थिंक ठीक है, आई थिंक यहाँ पे लगाने को कुछ है नहीं लाइट, तो उतना अपन कुछ कर नहीं सकते यहाँ पे, लाइक लिटरली कुछ नहीं कर सकते। बट भाई मेरे ख्याल से बाकी जगह तो काफी बढ़िया लग रहा है, यहाँ पे हमारा सॉफ्ट ड्रिंक का ये सबसे बढ़िया अपन ने कर दिया है, यहाँ पे थोड़ी बहुत लाइटिंग की दिक्कत है बट चलो उतना मैनेज हो जाएगा। यहाँ पे अल्कोहल का भी सही कर दिया भाई, लाइट ही लाइट से भर दिया है, हैट का तो सबसे बढ़िया है भाई, एकदम शो केस में रखा है इसको। अब गाइस फाइनली हमें मंगाना है प्रोडक्ट्स अपने $50,000 के, तो जितने हो पाए जितने प्रोडक्ट्स हो पाए अपन सारे मंगा लेंगे, सारे के सारे रख देंगे। ओ भाई मैंने कोई उठाना नहीं था एक्चुअली में। Many hours later. Let's go guys, यहाँ पे सारी चीजें फुल्ली स्टॉक हो चुकी हैं भाई, एंड हमारा गैस स्टेशन अब और भी बढ़िया लग रहा है एंड काफी शानदार लुक आ चुका है भाई लाइटिंग वाइटिंग सेट करने के बाद। तो यहीं पे हमारा खत्म होता है गाइस चैलेंज, हमने $50,000 करना था वो कर लिया पूरे तरीके से, एंड उसके बाद हमने रीअरेंज भी कर लिया भाई अपना गैस स्टेशन और शानदार बना लिया है। तो इसी के साथ हम आज का एपिसोड भी यहीं एंड करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अगर मजा आया हो तो लाइक बटन जरूर दबा देना एंड सब्सक्राइब कर लो गाइस चैनल को अगर अभी तक नहीं किया हो तो, एंड हम मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में बहुत ही जल्द एंड मिलेंगे किसी मजेदार अलग गेम के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड आई विल सी यू वेरी सून।